A very good morning, 7th class. Today we will revise our two chapters, the Mughal Empire and the architecture under the Delhi Sultanate and the Mughals. Okay, so in this chapter we will again revise how did the Mughals establish and sustain their empire in India. You already learned in previous video about the beginning and the expansion of Mughal Empire in India. So here in this video we would get to know major campaigns and events in Babur's life. Okay, so Babur is the founder of Babur was the founder of Mughal Empire and established the Mughal Empire in India. He ruled from 1526 to 1530 and fought the first battle of Panipat in 1526 and defeated kisko haraya inhone defeated Sultan Ibrahim Lodi. Okay, and next fought of battle of Khanwa in 1527 और मेवाड़ के राजा को इन्होंने हराया. राणा सांगा एंड हिज एलाइज जो कि उन्होंने मेवाड़ के राजा के साथ में ये भी थे. फॉर द बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528 और किनको हराया इन्होंने उस बैटल में राजपूत. इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ. जो बाबर थे इनको स्पेशली इनवाइट किया था राणा सांगा ने ही. क्यों इनवाइट किया था? क्योंकि उस टाइम दिल्ली सल्तनत के जो एम्परर थे वो कौन थे? इब्राहिम लोधी. ये लोधी डायनेस्टी के थे एम्परर. इनको हटाने के जो मेन एम था इनका, तो राणा सांगा ने इनवाइट किया बाबर को. तो बाबर ने इनको डिफीट हराया सुल्तान इब्राहिम लोधी को, लेकिन उनका मन यहाँ रह गया कि मैं भी यहीं पर अपना एम्पायर बनाऊँ. तो राणा सांगा ने इससे नाखुश थे और इनके बीच में एक बैटल हुआ जिसमें राणा सांगा हार गए. ओके, और अब फोर्ट और द बैटल ऑफ चंदेरी ये हुआ राजपूत के साथ. फिर ये यहीं पर इन्होंने अपने एम्पायर को बना लिया. ओके, अब उनके बाद बाबर के बाद जो उनके नेक्स्ट सक्सेसर्स आते हैं वो कौन थे? हुमायूं. सो मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स इन हुमायूं लाइफ ये कौन थे? बाबर सन. एंड रूल्ड इनका कब से कब था? फ्रॉम 1530 टू 1540. एंड अगेन ये दोबारा से फिर आए क्योंकि बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड आया था जब बीच में सूरी थे सूरी डायनेस्टी के एक एम्परर थे, उनके साथ इनकी बैटल हुई थी. तो उस टाइम वो एक टाइम पीरियड था जब वो शेर शाह सूरी ने इनको हरा दिया था और ये अपने जगह को छोड़कर इनको भागना पड़ा था और फिर इनको अब बंदी भी बना लिया था. तो यहाँ पर इसे टाइम पीरियड मेंशन्ड है 1530 टू 1540 तक ये रहे थे सिर्फ 10 साल के लिए. बाद में ये यहाँ से इनको जाना पड़ा था. तो फिर बाद में दोबारा से फिर ये आए थे 1555 टू 1556 में. ओके, डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू हिज फादर बाबर्स विल एंड फोर्ड द बैटल ऑफ चोसा कब लड़ी गई? 1539 में. किसके साथ में? शेर शाह सूरी एंड देन लॉस्ट टू शेर शाह सूरी और ये हार गए थे. उसके बाद नेक्स्ट बैटल फोर्ट ऑफ बैटल ऑफ कन्नौज
lost to Sher Shah Suri and run away to Iran. Recaptured Delhi in 1555 with the help of Safavid Shah of Iran. Okay, and he died in an accident in 1556. नेक्स्ट अब इनके सक्सेसर्स कौन थे, इनके बेटे थे हुमायूं सन अकबर. अकबर रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605 और ही लॉन्च्ड मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान. और उनके टाइम पीरियड के दौरान जब शेर शाह सूरी थे यहाँ पर, तो अकबर की उनके साथ बैटल हुआ था. और तब इन्होंने क्या किया था, गोंडवाना एंड उज़्बेक्स बिटवीन 1556 एंड 1570 सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड कैप्चर्ड मालवा एंड चित्तौड़ विच वॉज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सिसोदियाज इन 1568 एंड कैप्चर्ड रणथंबोर इन 1569 में. ये जीतते चले गए थे जहाँ इनकी बैटल होती चली गई और वो उस जगह को अपने जीतते चले गए, अंडर में लेते चले गए. एंड ही लॉन्च्ड मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात इन 1572 एंड इन बंगाल इन 1574 एंड ही लॉन्च्ड मिलिट्री कैंपेन्स इन बिहार एंड ओरिसा बिटवीन 1570 एंड 1585. ओके, एंड एनेक्स्ड कश्मीर और फिर कश्मीर को भी इन्होंने अपने में मिलाया, बेरार खंदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदाबाद बिटवीन कब 1585 एंड 1605 में एंड कैप्चर्ड कंधार फ्रॉम द सफाविड्स इन 1601. एंड नाउ बाद में इन्होंने क्या किया, फेस्ड अ सीरीज ऑफ रेबिलियंस. रेबिलियंस किनको बोला गया है, जो विद्रोह करते हैं, फ्रॉम प्रिंस सलीम एंड जहांगीर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज रिन, उनके शासनकाल के दौरान. सो मुगल डायनेस्टी के नेक्स्ट सक्सेसर्स हैं ये अकबर सन जहांगीर एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज प्रिंस सलीम एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1605 टू 1627. So he gained Rajput loyalty by defeating one of the Sisodia rulers of Mewar, और जो कौन थे, महाराणा अमर सिंह. And he launched less successful military campaigns against the Sikh, the Ahoms and Ahmednagar, and faced a rebellion by Shahjahan during the last year of his reign. And he died of illness when in 1627. Now the next successors of Mughal dynasty was Shahjahan, Jahangir son, and he was also known as Prince Khurram. Aur inhone kab se kab tak ruled from 1627 to 1658 and annexed, milaya किसको मिलाया अपने एम्पायर में, अहमदनगर व्हेन इन 1632 एंड स्यूड ऑफ बीजापुर फोर्सेस डिफीटेड द अफगान नोबल खान जहान लोधी हु रेबल्ड अगेंस्ट हिम एंड लॉस्ट कंधार टू द सफाविड्स इन 1653 एंड लेड एन अनसक्सेसफुल कैंपेन टू सीज बल्क फ्रॉम उज़्बेक्स एंड डिफीटेड द बुंदेल्स एंड सीज्ड ओरछा एंड फोर्ट बैटल अगेंस्ट डेक्कन प्रिंसेस इन 1655 में एंड ही लॉस्ट द औरंगजेब इन कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन बिटवीन कब 1657 एंड 1658 एंड गॉट इम्प्रिजेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. इनको बंदी बना लिया गया and when he died in prison in 1666 में, जब इनको औरंगजेब ने कैद किया था
तब उस कैद के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। और इनके नेक्स्ट जो थे सक्सेसर्स थे वो थे औरंगजेब, और ये किन के बेटे थे, शाहजहां सन। और इन्होंने अपने फादर को बंदी बनाया था। ओके, ये इतिहास के सबसे क्रूअल किंग के नाम से जाने जाते हैं। एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1658 टू 1707, डिफीटेड द अहोम्स इन 1663, हु रेबल्ड अगेन इन 1680s, लेड टेम्पररीली सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द यूसुफज़ई एंड द सिख। एंड ही फेस्ड अ रेबेलियन बाय द राठौर राजपूत वेयर ऑफ मारवार द जाट एंड द सतनामीज, और एनेक्स्ड बीजापुर वैन इन 1685 में, एंड ही एनेक्स्ड गोलकोंडा इन 1687। एंड ही मेट द इनिशियल सक्सेस इन द फाइट अगेंस्ट द मराठा, और उनके चीफ कौन थे, शिवाजी, हु वॉज इंसल्टेड बाय हिम, एंड ही रन अवे फ्रॉम आगरा एंड लेटर केम बैक टू फाइट द मुगल्स, और वो दोबारा से आए फाइट के लिए। एंड ही फेस्ड रेबेलियन बाय हिज सन प्रिंस अकबर, हु फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान। सो वी स्टडीड अबाउट द एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी। सो नाउ हियर इज गिवन द टाइम लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सो द इन 1566 बिगनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, व्हेन 1526 एंड हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, इट इज अ गिवन द बाबर्स रिन 1526 टू 1530। ओके, देन ऑल्सो गिवन हियर अकबर्स रिन, व्हेन 1556 टू 1605। देखो उससे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 1526 में क्या था, मुगल एम्पायर के जो फर्स्ट फाउंडर थे जिन्होंने इनको एस्टेब्लिश्ड किया था, किन्होंने किया था, बाबर ने किया था, और व्हेन 1526 में। उनके बाद आते हैं हुमायूं, हुमायूं ने कब, 1530 से लेके 1540 के बीच में ये रहे। देन दोबारा से फिर इनका टाइम पीरियड आया 1555 से लेके 1556। देन फिर टाइम पीरियड आया अकबर रिन का, अकबर के शासनकाल का, कब हुआ ये, 1556 से लेके 1605। ओके, देन उनके बाद फिर जहांगीर आते हैं, उनके नेक्स्ट जो सक्सेसर्स हैं मुगल एम्पायर के, उनका टाइम पीरियड ऑल्सो गिवन हेयर फ्रॉम 1605 टू 1627। Is it clear? Now, the next successors of Mughal Empire was Shah Jahan. And the time period also given here 1627 to 1658. Aur unke baad Aurangzeb reign. And time period also given here from 1658 se leke 1770. Is it clear? Now, after that, here is given the summary of this chapter, means the main important learning objectives that denotes we. So the first one is here given, the Mughals were descendants of Genghis Khan and Timur. Okay, and then Babur established the Mughal rule in India. किनको हराया इन्होंने, बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी एंड व्हेन 1526। ओके, एंड द नेक्स्ट द मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब हेल्प्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर। इन्होंने मुगल एम्पायर को दूर दूर तक बढ़ाने में इनको इन्होंने हेल्प की। क्यों? क्योंकि इनकी इन्होंने अपने मुगल एम्पायर को और चारों तरफ फैलाने के लिए बैटल की, और बैटल में ये जीतते चले गए और
उस एरिया को ये अंडर में लेते चले गए. नाउ अकबर इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम फॉर इफिशियंट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स द सिस्टम बिकेम लेस एफिशियंट एंड पीजेंट्स बिकेम विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड जमींदार कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम पीपल एंड द रिवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त. अकबर इंट्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री एंड रिलीजियस पॉलिसीज एंड हेल्प इन कंसोलिडेटिंग द मुगल एम्पायर. अकबर मुगल एम्पायर के दौरान सबसे महान राजाओं में गिने गए. अकबर इंट्रोड्यूस्ड अ डॉक्ट्रिन कॉल्ड दीन इलाही एंड पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ सुलेकुल और पीस फॉर ऑल. आफ्टर औरंगजेब द मुगल एम्पायर वॉज रूल्ड बाय वीक रूलर्स विच ग्रेजुअली लेड टू इट्स डिक्लाइन एंड इवेंचुअल फॉल इन 1857. उसके बाद औरंगजेब के बाद जो रूलर्स हैं वो बहुत वीक थे और जिसके कारण मुगल एम्पायर कमज़ोर पड़ा. ओके, नाउ दिस वन इज़ अवर नेक्स्ट चैप्टर, आर्किटेक्चर अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स. सो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मैनी डायनेस्टीज रोज एंड फेल. द किंग्स ऑफ द टाइम बिल्ट टेम्पल्स टू सीक divine blessing for their rule and to show how pious they were and also to show off their wealth and power to their rivals. Okay, most of these temples were dedicated to either Lord Shiva or Lord Vishnu. So here is a given in this chapter the style of temple architectures, and the style of temple architecture also divided into two parts. First one is the Nagara style. Here is a picture given that shows the Nagara style. Okay, a North Indian temple of the early medieval period usually has a garbhgriha. Aur garbhgriha kisko bola gaya? Inner room where the idol is kept. Okay, this is the example of Nagara style. And the second one is Dravidian style. This is the example of architecture of the Dravidian style. Then Indo-Islamic style of architecture. And important features of Indo-Islamic architecture is the dome. Dome means hemispherical roof, and medieval builders designed intersecting arches to support large domes over square bases. These are the pictures that show the Indo-Islamic architecture. Very beautiful. Now what is given in this chapter, इसकी summary यहाँ दी गई है, हम इसको read करते हैं. These are the points. Things to remember. The medieval rulers of India built, what built? Monuments to demonstrate their power and public works for the welfare of their subjects. जो मेडिवल रूलर्स थे उनका मोनूमेंट्स बनाने के पीछे बहुत से रीज़न भी थे. एक तो वे अपनी पावर, उनकी स्ट्रेंथ जो थी वो शो होती है, और एक क्या उन्होंने पब्लिक
वर्क्स किए हैं फॉर द वेलफेयर, वो सारी की सारी यहाँ से चीज़ें झलकती हैं। एंड हिंदू किंग्स बिल्ट टेम्पल्स टू सीक डिवाइन ब्लेसिंग्स। इन नॉर्थ इंडियन ब्लेसिंग टू शो देयर डिवोशन एंड टू शो ऑफ देयर वेल्थ। दीज टेम्पल्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स, द नॉर्थ इंडियन नगर स्टाइल एंड लाइक द केंद्रीय महादेव टेम्पल एट खजुराहो, एंड द साउथ इंडियन द्रविडियन स्टाइल वंस लाइक द बृहदेश्वर टेम्पल इन थंजावर। दीज टेम्पल्स आर बिल्ट इन द ट्रेबिट स्टाइल इन विच लॉर्ड इज बॉर्न बाय फ्लैट स्लैब्स प्लेस्ड ओवर पिलर्स। ओके, देन उसके बाद जो नगर स्टाइल है टेम्पल्स हैं उनमें क्या है, हैज़ अ गर्भगृह सराउंडेड बाय अ प्रदक्षिणा पथ एंड क्राउंड बाय अ हाई शिखरा दैट नैरोज जेंटली टूवर्ड्स द टॉप एंड इट ऑल्सो हैज़ वन और मोर मंडप्स फॉर टेम्पल राइट्स। ओके, एंड द्रविडियन स्टाइल जो सेकेंड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है टेम्पल्स में वो क्या है, हैज़ पिल्लर्ड कॉरिडोर्स एंड हॉल्स लीडिंग टू द गर्भगृह एंड द विमाना ओवर द गर्भगृह इज़ यूजुअली पिरामिडियल। द टेम्पल कोर्टयार्ड ऑफन हैज़ लॉफ्टी पिरामिडियल गेटवे कॉल्ड गोपुरम्स। और उनके बाद जो नेक्स्ट आर्किटेक्चर आए वो क्या थे, इंडो इस्लामिक स्टाइल। ओके, एंड ये क्या है, इन्वॉल्व्ड इन इंडिया ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन स्टाइल विद हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन स्टाइल आल्सो। This style included the arcuate style of construction in which arches are used to bear loads and to support domes on square bases, and floral and geometric patterns, calligraphy and glazed tiles were used to decorate building surface. Sometime beautiful design were created with pietradura. Pietradura means pieces of precious stone inlaid in marble. The Muslims build many mosques. A mosque usually has a domed prayer hall with an open courtyard in front and a wall of the Mecca side with a mihrab showing the direction to face while praying. Okay, the Muslims jo rulers the and noblemen and their family members were buried in artistically built mausoleum. Forts were built to defend kingdom. Places were built as residence of wealthy people. Towers and massive gates were usually built to celebrate victories and educational institution, market etc. for public welfare. Tanks, wells, canal, etc. were constructed to supply water. Medieval forts and palaces had their own water supply system, sometimes including hammams, fountain, and pools. Bowlies provided water as well as cool resting places. Okay, and Shahjahan built the Taj Mahal as a museum for his wife, Mumtaz Mahal. He also built the Moti Masjid of Agra and the Red Fort and Jama Masjid of Delhi. And some monuments that show the blending of Islamic and regional architectural style are the elephant stables at Hampi, the Govind Dev Temple at Vrindavan, the buildings at Fatehpur Sikri and Mughal building with Bengali style roofs. So the student, here is given the concept map. Or concept map mein kya hai, architecture as a power.
और हेयर जो फर्स्ट पीरियड था अर्ली मेडिवल पीरियड, उसके दौरान जो कैसा आर्किटेक्चर था दैट इज गिवन, विगोरस टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी, दीज आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. नॉर्थ इंडिया ऑल्सो नॉन एज नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, द साउथ इंडिया ऑल्सो नॉन एज द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ओके, देन उनके बाद आया आर्किटेक्चर ड्यूरिंग डेली सल्तनत एंड इमरजेंस ऑफ कंपोजिट कल्चर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, दिस इज नॉन एज. देन उनके बाद आया रीजनल और प्रोविनेंशियल आर्किटेक्चर, बंगाल अदीना मस्जिद एट पांडुआ एंड द दखिल दरवाजा एट गौर. फिर उसके बाद गुजरात में कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू एंड द मुस्लिम स्टाइल, और डेक्कन में पर्सियन इन्फ्लुएंस आया. बीजापुर में गोल गुंबज बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह, क्या यूज़ हुआ उसमें, यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड पेंटेड कैलीग्राफिक स्पेसिमेन. ओके, देन हम्पी टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द विजयनगर किंग. और उनके बाद कौन सा टाइम पीरियड आया, मुगल आर्किटेक्चर, देन लेइंग ऑफ गार्डन्स एंड द आर्ट ऑफ पिएट्रा ड्यूरा. और फिर शाहजहाँ के टाइम के दौरान बहुत ही अच्छे मॉन्यूमेंट्स बिल्ड हुए. एंड इंजीनियर किंग यूज रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल्स फॉर हिज बिल्डिंग्स. और हम नेक्स्ट पब्लिशर की बुक में देखते हैं अबाउट दिस चैप्टर समरी. ड्यूरिंग द एट्थ टू 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ट टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, फोर्ट्स पैलेसेस एंड टॉम्स एंड स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर पब्लिक यूज. And the corbelled techniques was used to make roofs, doors and windows by placing a horizontal beam across two vertical columns. This techniques is also used to construct an arches. Since the 12th century, the arcuate style of architecture and limestone cement have been used to construct structures. In this arcuate style of architecture, arches are used to support the weight of the superstructure. The keystone at the center of the arch transfer the weight of the superstructure to the base of the arch. And in the medieval period, kings constructed places of worship to showcase their wealth, power, and devotion to God. And under the Mughals, construction activity increased and architecture became more complex. Many gardens, tombs and forts were built. As a construction activity increased, there was also a considerable sharing of ideas across regions that influenced the architecture of various structures. Now, we revised both chapters named Mughal Empire and the architecture under the Delhi Sultanate and the Mughal Empire. So, I think you got it. Revise these chapters attentively. And good luck for your periodic second.